नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे गंगा सवेरा की एक बड़ी खबर के साथ। यूपी में 16 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। लक्ष्मी सिंह को पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है। प्रीतिंदर सिंह को पुलिस कमिश्नर आगरा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर अमित शर्मा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। अशोक मुथा जैन को पुलिस कमिश्नर वाराणसी बनाया गया है और आलोक सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। ए सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ की जिम्मेदारी और तरुण गाबा को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ बनाया गया है। साथ ही साथ राकेश सिंह को पुलिस महानिरीक्षक बरेली बनाया गया। चंद्र प्रकाश को पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज बनाया गया। मुनिराज जी को एसएसपी अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशांत वर्मा एसपी बहराइच बने हैं। केशव कुमार चौधरी अपर पुलिस आयुक्त आगरा बने हैं। इसके साथ साथ जो सूची आई है उसमें जो नाम है वो भी आपको बता दें, शैलेश पांडे को एसएसपी मथुरा की जिम्मेदारी दी गई है। अभिषेक यादव को एसपी सूचना लखनऊ बनाया गया है और प्रभाकर चौधरी को सेनानायक पीएसी सीतापुर बनाया गया है। तो ये वो लिस्ट है, ये वो नाम है जिनका जिन्हें बदला गया है, तबादला की दिया गया है। और तरुण गाबा को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ बनाया गया है। अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, क्या और जानकारी फिलहाल इस लिस्ट को लेकर? उत्तर प्रदेश में उनके 3 और शहरों में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू हुई, तभी से कहा जा रहा था कि कुछ बदलाव होंगे और नए चूंकि वहाँ पुलिस कमिश्नर आएंगे और तमाम अन्य जो अफसर है उनकी तैनाती होगी। तो आप देखिए गाजियाबाद को देख लीजिए, आप अगर हम कहें आगरा को देख लीजिए और प्रयागराज, तो यहाँ तीनों जगहों पर जो है वो नए पुलिस कमिश्नरेट बने हैं। तो अमित शर्मा को प्रयागराज में भेजा गया है, पहली बार वो वहाँ पर पुलिस कमिश्नर होंगे। सुखिंदर सिंह को आगरा भेजा गया है और इसी तरीके से अजय मिश्रा को गाजियाबाद भेजा गया है। तो ये तो बहुत प्रतीक्षित है, कहा जा रहा था कि जब नए कमिश्नर आएंगे उसके बाद वहाँ पर काम में तेजी आएगी, लेकिन जिस तरीके से तबादला आलोक सिंह का हुआ है, जब से नोएडा पुलिस कमिश्नरेट बना तब से आलोक सिंह वहीं पर तैनात थे, पुलिस कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे, पर अब उनकी जगह लक्ष्मी सिंह को भेजा गया है और वहां पर उन्हें पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इसके अलावा ए सतीश गणेश, अभी हाल ही में देखा आपने वाराणसी में किस तरीके से इनकाउंटर हुए, बदमाशों के इनकाउंटर हुए और उसके बाद ए सतीश गणेश को वहां से हटा दिया गया और अब अशोक मुथा जैन को भेजा गया है वहां पर पुलिस कमिश्नर बनाया गया। तो ये जो दो तबादले हुए हैं, खासतौर से ये माने जा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि अब ये तय हुआ हो कि जो हाई रैंक के अफसर हैं वही पुलिस कमिश्नर होंगे, इसलिए ए सतीश गणेश को और आलोक सिंह को, जब आप एडीजी रैंक पर प्रमुख हैं तो उनको वहां से हटाया गया, दोनों को लखनऊ भेजा गया है। पर जिस तरीके से प्रशांत वर्मा जो वर्तमान में एसएसपी थे अब उनको एसपी बहराइच बनाया गया है, इसी तरीके से एसएसपी गाजियाबाद निजात जी को अयोध्या भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शहर जहाँ पर अगर हम कहें कि बहुत सारे चैलेंजेस है वहाँ पर भी तबादले अधिकारियों के, खासतौर से पुलिस के जो अफसर है उनके तबादले किए गए। जी चलिए, धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो ये तबादला सूची भी आप देख रहे हैं, 11 नाम इस लिस्ट में शामिल है जिसमें ये तमाम नाम आपको बताए। अजय मिश्रा को पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद बनाया गया है और राकेश सिंह को पुलिस महानिरीक्षक बरेली की जिम्मेदारी दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।